ये नजारा है राजधानी रांची के बीचों बीच स्थित बड़े तालाब का, जिससे एक समय इलाके में पानी का सप्लाई होता था, लेकिन आज ये तालाब गंदा हो चुका है। तालाब के आसपास नालियों से आने वाली मिट्टी और गंदगी से कचरे का ढेर लग चुका है। इतना ही नहीं, साथ ही बने अस्पताल का मेडिकल वेस्ट भी इस तालाब में ही आकर गिरता है, जिससे इस जलाशय का पानी न केवल गंदा हो गया है बल्कि जहरीला भी हो गया है। इस तालाब को फिर से स्वच्छ करने के लिए लोगों ने कोशिश भी की, लोगों ने श्रमदान भी किया, लेकिन तालाब में लगातार गिरती गंदगी के चलते फिर उसी हाल में ये तालाब आ गया है। वर्तमान स्थिति, उस समय पूरे तालाब में जलकुंभी की भरमार हो गई थी और पानी इतना दूषित हो गया कि अगल बगल में पूरा महामारी का खतरा उत्पन्न हो गया था, और नगर निगम जिला प्रशासन को बोलने के बाद भी कोई उनके तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा था। तब हम लोगों ने स्थानीय नागरिक और आम लोगों के जन सहयोग से हम लोग एक अभियान चलाए और श्रम दान करके इसकी सफाई की शुरुआत की। आज के दिन वो मेरा वो काम अधूरा है, क्योंकि 8 नाले का पानी इस तालाब में प्रवेश कर रहा है। स्वाभाविक रूप से बगल में सेवा सदन देख रहे हैं, उसका केमिकल सही सारा आ रहा, तो इससे पानी दूषित होने से खतरा है महामारी का। और स्वाभाविक रूप से जिस जल को लोग पिया करते थे, जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते थे, जहां पंछी विदेशी पंछी की भरमार रहती थी, वहां थोड़ा सुना सुना हो गया है। रांची शहर में कुल 39 सरकारी और गैर सरकारी तालाब है, जिनमें से सबसे खास यही बड़ा तालाब है, जो अब एक गंदे नाले में तब्दील हो गया है। मछलियां आप मर रही है, और जो भी मछलियां है तेलपिया जाति की मछली है जो कि जहरीला है, उसको यहाँ के लोग मार के खाते हैं, लेकिन वो जहर है। क्योंकि पानी इतना दूषित हो गया है, इतना जहरीला हो गया है कि पानी पीने लायक नहीं है। यहाँ अगर कोई स्नान करे तो वो खुजली हो जाएगा। इस बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नगर निगम के अधिकारी स्थानीय लोगों के ही सिर पर इसका दोष पढ़ रहे हैं। अब फिर से नगर निगम ने तालाब की सफाई के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। अतीत में क्या हुआ मैं उसको बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, बट वर्तमान में निगम जो कुछ कर रहा है मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी। निगम के द्वारा योजनाएं बना देने से वो तालाब सुंदर नहीं हो जाएगा। तालाब सुंदर सौंदर्य तालाब को सुंदर रखने की बेहतर जवाबदेही तो अगल बगल में रहने वाले लोगों की भी तो है। अगर हम कल पार्क ही बना दें, पार्क को ही लोग उजाड़ कर रख दें, तो निगम उसमें क्या करेगा? इसलिए तालाबों को सुंदर रखने की जवाबदेही आम आसपास की आबादी की है। हर बात को कानून से सुनिश्चित नहीं की जा सकती है ना। एक समय था जब ये तालाब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन नगर निगम की दम तोड़ती योजनाओं ने इस तालाब के पानी को जहरीला बना डाला। देखना अब ये है कि तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए बनाई गई नगर निगम की योजनाएं कब और कितनी सफल होती है।